बठिंडा जिले के किन्नू की खेती करने वाले किसान इस बार समय से ठंड ना होने के कारण किन्नू की फसल कम होने से चिंता में हैं। इस बार किन्नू की फसल बहुत कम हुई है, इसी के साथ उन्होंने सरकार से मांग की है कि किन्नू के एक्सपोर्ट के लिए कदम उठाए जाएं या इलाके में जूस की फैक्ट्री लगाई जाए ताकि उनका कारोबार चलता रहे। किसानों का कहना है कि इस साल किन्नू की फसल कम हुई है, जो फल लगा है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, जिससे इस बार उनको ज्यादा मुनाफा नहीं होने वाला, लेकिन इसके देखभाल में उनका बहुत खर्च आता है और इस बार किन्नू की फसल कम होने से घाटा झेलना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि सरकार को बागवानी करने वाले किसानों की मदद करनी चाहिए ताकि और भी किसान बागवानी करने के लिए उत्साहित हों। किन्नू नूं पहले तो गर्मी बहुत ज्यादा पैगी जी, फिर बेमौसमी बारिश होने करके ये बहुत ही ज्यादा उदों नुकसान होया किन्नू दा। उदू बाद हुण मौसम जिहड़ा ये गरमैश वधदा, इहनूं इस दिनां च ठंड चाहीदी आ ते उहदे करके हुण झड़ रिहा गा, नाले बूटे सुक रहे आ, बहुत ज्यादा नुकसान आ, केर बहुत पै रही है जी। ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਜੇਕਰ ਠੰਡ ਨਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਬੂਟੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਾਂਗੂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। उधर इस बारे में बागवानी माहिरों के अनुसार इस बार मौसम किन्नू की फसल के लिए नुकसानदायक है। किन्नू को ठंड की जरूरत होती है, जो कि इस बार नहीं पड़ रही। अगर आगे भी ऐसा ही मौसम रहा तो किसानों को ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ जी, जिम्मे हूँ कि अजक किन्नू पूरा वधिया लग्या होया जी, फल पूरा भरया होया बूटा ते। इस मौसम के अगे यानी कि काफ़ी वधिया ठंड होंगी है जी, कि इस बार मौसम के काफ़ी गरमैश है, वो गरमैश होने करके किन्नू काला पै रहा, कुछ साढ़े जो किन्नू उस झड़ भी रहे हैं और पूरी मिठास जी आती है वो ठंड करके ही आती है। जेकर ठंड वधिया हो फल वधिया मिलता जी, ठंड घट है तो फल आया ये कालेपन भी रहेगा और मिठास भी घट आई है। हाँ जी, नुकसान तो है ही है जी बिल्कुल, कितने तो यह हूँ पूरा यदा वधन फुलन का टाइम है, मौसम के गरमैश होने करके वध फुल भी घट रहा है, इस करके सानू 25-30% जो नुकसान तो है ही। इंडिया 24 के लिए बठिंडा से कुणाल बांसल की रिपोर्ट।